तो फिर जैसे कि आप लोगों को बताया पूरा इंडिया मतलब इंतजार कर रहा है Xiaomi के अगले बजट स्मार्टफोन के बाद जिसका नाम है Xiaomi Redmi Note 5। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब तक की सारी रूमर्स लीक्स के बारे में जिसपे इस वीडियो में मतलब पूरा कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो कुछ एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो कि आपको Redmi Note 5 में देखने को मिलने वाली है इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और मेरा नाम है भारत प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं रिलीज डेट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की रहती है आखिर ये फोन लॉन्च कब होने वाला है, कब रिलीज होगा, कब हमें देखने को मिलेगा, कब तक इसकी स्पेसिफिकेशंस लॉन्च होंगी, मतलब पब्लिक होंगी, आपको मतलब पूरा कंफर्म पता चलेगा Xiaomi की तरफ से Redmi Note 5 में कब क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है Xiaomi ने मीडिया को इन्वाइट भेजा था, जिस इन्वाइट की इमेज में जो है एक बड़ा सा 5 है और इनविटेशन की जो डेट है वो है 14 फरवरी, यानी हमारे वैलेंटाइंस डे की डेट। तो देखते हैं यहाँ पर मतलब बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर बड़ा सा 5 है तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात की थी यहाँ पर जो है चाइना में Redmi 5 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इस बड़े 5 का मतलब ये हो कि यहाँ पर Redmi 5 लॉन्च हो 14 फरवरी को, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर Redmi Note 5 हो। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने या एक्सपर्ट्स आप कह सकते हैं उन्होंने जो है जाके mi.com के सोर्स कोड जो वेबसाइट है उसके सोर्स कोड को चेक किया, तो वहाँ पर जो है इस फोन के बारे में पता चला कि यहाँ पर जो फोन जिसके इन्विटेशन है उस फोन के बारे में कुछ नाम था, वहाँ पर था Redmi Note 5 और जो मतलब जो उसमें लिखा हुआ था ऑलराउंडर, जो कि पिछले साल Redmi Note 4 के लिए भी यूज किया गया। तो यहाँ हो सकता है मतलब इस वजह से 80% कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पर आपको Redmi Note 5 देखने को मिलेगा 14 फरवरी को। लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन है कि ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस थोड़े कम है लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर Redmi 5 Plus जो है उसी को चाइना में जो है Redmi 5 Plus लॉन्च हुआ था, यहाँ पर चाइना वाले यहाँ पर Xiaomi जो है इंडिया में उसे Redmi Note 5 का नाम देके लॉन्च कर दे। लेकिन ऐसा होना बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर जो है अलग से कुछ लीक्स हैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ, यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है कुछ सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं फोन्स के जो कि हैं चाइना कंपलसरी सर्टिफिकेशन 3C सर्टिफिकेशन, जिसे आप ना आमतौर पर जानते हैं नाम 3C सर्टिफिकेशन। तो वहाँ पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, सर्टिफाइड किया गया था इस फोन को, तो वहाँ पर जो है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है की स्पेसिफिकेशन उसके बारे में पता चला था। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पर जो हाई एंड वर्जन होगा वो होगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, यहाँ पर कुछ कम वेरिएंट वाला भी होगा जिसमें एक बार 3GB रैम और 32GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो आपको हाई एंड वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है 636 Qualcomm Snapdragon का, तो मतलब यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 636 जो है काफ़ी थोड़ा बेटर, यहाँ पर Redmi Note 4 में आपको 630 देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो लोअर वेरिएंट है Redmi Note 5 का जो कि आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 630 के साथ, और जो मतलब इंटरनल स्टोरेज जो थोड़ी कम होगी कम वाले वेरिएंट में। और बाकी यहाँ पर कैमरा के कुछ रूमर्स हैं, तो कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको दोनों ही फोन्स में 16MP प्लस 5MP का डुअल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिल सकता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है आपको फ्रंट में देखने को मिल सकता है एक 8MP का सेल्फी शूटर। तो आगे बात करें यहाँ पर स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पर जो है कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चलेगा इस फोन में आपको 5.99 इंच की फुल HD प्लस यानी कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यार हम है 2018 में तो यहाँ पर जो फोन्स हैं वो 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नोकिया भी उतर चुका है 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो, तो Xiaomi क्यों पीछे रह जाए, तो यहाँ पर मतलब 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल सकता है दोनों ही फोन्स में। सिर्फ यहाँ पर दोनों फोन्स में फर्क होगा रैम रोम और थोड़े से प्रोसेसर का, बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क देखने को मिलने वाला नहीं। और डेफिनेटली फोन बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है और यहाँ पर बड़ा काफ़ी अच्छा खासा चैलेंज है Xiaomi के लिए यहाँ पर बजट सेगमेंट में देखने के लिए। यहाँ पर बजट सेगमेंट में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, अच्छा खासी प्रोसेसिंग पावर, अच्छी इंटरनल मेमोरी, अच्छी रोम, अच्छी रैम, इन सबको एक अच्छे बजट सेगमेंट में लाकर पेश करना है Xiaomi के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो खैर देखते हैं यहाँ पर 14 फरवरी को शायद हमें पता चल जाएगा Redmi Note 5 और Note 5 का हायर वेरिएंट लोअर वेरिएंट क्या होने वाला है और क्या स्पेसिफिकेशंस के बारे में होंगे। तो फिर अगर लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग जो एक नया बहुत ही बेहतरीन फीचर आपको नोट सीरीज में देखने को मिल सकता है यहाँ पर नोट 5 में, वो है फेशियल रिकॉग्निशन, यहाँ पर जो आप अपनी शक्ल को देख के अपने फोन का अनलॉक कर पाएंगे जो कि Huawei ने भी कर दिखाया। तो यहाँ पर बजट सेगमेंट में Xiaomi भी तैयारी कर रहा है आपको ये फीचर प्रोवाइड कराने की। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो यहाँ आपको Redmi Note 5 में देखने को मिल सकता है MIUI 9 जो कि बेस्ड होगा Android Nougat पर। खैर यार ओरियो पर बेस्ड होना चाहिए यार, एक्सपेक्ट तो ये करते हैं ओरियो पे देखने को मिले। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ओरियो जस्ता है या फिर आप Nougat पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे नए फोन को 2018 में, जो जहाँ पर आपको ओरियो का अपडेट बहुत सारे फोन्स में देखने को मिलते हैं, आप या मतलब एक्सपेक्ट तो यही करना चाहेंगे यार मतलब जो फोन लॉन्च हो अब वो ओरियो के साथ ही हो, खैर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ ये तो थे कुछ बढ़िया से रूमर्स लीक्स जो कि अब तक आपको देखने को मिलते हैं Xiaomi Redmi Note 5 के बारे में। खैर 14 फरवरी को आपको शायद देखने को मिल जाए पूरी डिटेल्स यहाँ पर Redmi Note 5 के बारे में।
एक्सपेक्ट तो ऐसा ही करते हैं। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही बराबर मिलेगा एक बेल आइकन दबाने से होगा जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली इसमें मत किया करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस कमाल की और साथ यार डेली टेक न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।